सूद होकर सो रहा है। आज यही समय है इसे समाप्त कर देने का। हनुमान ही नहीं, वो भी कहीं सो रहा होगा। अरे हनुमान के आने से पहले ही हमें इसे यहाँ से ले जाना होगा, जिससे कि हनुमान आए तो इसे ढूंढता ही रह जाए और हम इसका क्रिया कर्म कर डाले। चलो।
जय श्री राम। क्षण आ गया है तुलसी, प्रभु श्री राम ने स्वयं मुझे वचन दिया था कि वो तुम्हें साक्षात दर्शन देंगे। तुलसी चित्रकूट की ओर जाओ और वहां जाकर प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन होकर उनका गुणगान। परंतु बजरंग बली, आप प्रत्यक्ष दर्शन देकर मुझे ये बात क्यों नहीं बताते? प्रत्यक्ष दर्शन दीजिए। क्या आप हनुमान जी से बातें कर रहे हैं महाराज? तू कहां है बे? मुझे भी वो कहां दिखाई दे रहे हैं? मैं तो केवल उनकी वाणी सुन रहा हूं। उनका रंग कैसा चमत्कार है! हम तो आपकी वाणी के सिवाय कुछ नहीं सुन रहे हैं महाराज। जय श्री राम। अब अधिक विलंब न करो, तुरंत चित्रकूट पहुंचो, कहीं ये अफसर तुम्हारे हाथ से निकल ना जाए। तुलसी, मैं एक क्षण के लिए भी विलंब नहीं करूंगा बजरंग बली। मैं आ रहा हूं। मैं एक क्षण के लिए भी विलंब नहीं करूंगा। मैं आ रहा हूं। ये कैसी लीला है हनुमान जी की? हमने उन्हें देखा ना सुना, केवल तुलसी महाराज उनकी वाणी सुनकर चल दिए। हनुमान जी की लीला न्यारी है भाई, न्यारी है। अब तुलसी महाराज को उनकी कृपा प्राप्त हो गई है, अब तो नित नए चमत्कार होंगे। जय हनुमान, जय हनुमान। शीघ्र तुरंत चित्रकूट पहुंचकर प्रभु श्री राम कर उनका गुणगान आरंभ। प्रभु श्री राम का गुणगान आरंभ करो, प्रभु श्री राम का गुणगान आरंभ करो, प्रभु श्री राम का गुणगान आरंभ करो। तुलसी, प्रभु श्री राम का गुणगान आरंभ करो, प्रभु श्री राम का गुणगान करो। जय
जल नहीं डूबो अग्नि न दहते अपने बल को भूले रहते राम भक्ति धारा में बहते श्री राम जय राम जय सुमन अमर अविनाशी शाश्वत स्तंभ समान शंकर सुमन अमर अविनाशी शाश्वत स्तंभ समान जय हनुमान लिए शुभ संकेत नहीं है कलिराज, ये हमारे अस्तित्व के लिए संकट उत्पन्न कर सकता है। कुछ कीजिए कलिराज, कुछ कीजिए। इस बार हमें शक्ति से नहीं शुक्ति से काम लेना होगा। जिन लोगों को राम भक्ति में भटका रहा है, हमें उन लोगों को तुलसी के विरोध भड़काना होगा। पाप की जय हो, सत्य कर नाश। चलो कुछ करते हैं। आजम वेद पुराण बखानक मार्ग को दिन जाही न जाने आप ही आप को इस कहावत सिद्ध समाने धर्म सब कली काल ग्रसे धर्म सब कली काल ग्रसे जप जोग विराग में जीव पराने को करी सोच तुलसी हम जान की नाथ के हाथ बिकाने को करी सोच मरे तुलसी हम जान की नाथ के हाथ बिकाने दीदी दीदी राम भक्ति का इतना सुंदर गायन पहले कभी नहीं सुना। ये कौन महापुरुष है? राम भक्ति। अरे पगला गए हैं, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, मति मारी गई है, पाप की जय हो रही है और सत्य का नाश हो रहा है। अरे सर्वनाश हो जाएगा इस तुलसी के कारण, देख लेना हम कह देते हैं। महाराज बलि जाऊं राम सेवक सुखदायक। अरे ये तो पंडित जी है। महाराज बलि जाऊं राम सुंदर सब लायक। महाराज बलि जाऊं राम सब संकट मोचन। महाराज बलि जाऊं राम राजीव विलोचन। बलि जाऊं राम करुणायतन प्रणत पाल पातक हरन। बलि जाऊं राम कलि मल विकल तुलसीदास राखिए शरण। जय श्री राम। चुप चुप, पकड़ी है ये महापापी है और तुझसे मूर्ख।
अंधों के जैसे इस पखंड के पीछे चले आ रहे हो। चुप, तुम चुप रहो। पति मारी गई है तुम सबकी, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। राम 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 राम। अरे मैं पूछता हूँ, बिना कुछ किए धरे किसी का पेट भरता है? यदि तुम लोग खेत खलिहान में काम नहीं करोगे, इसी प्रकार राम गान गाते रहोगे, तो अपने घर परिवार का भरण पोषण कर सकते हो। है पंडित जी, मैं आपसे कह रहा हूँ पंडित जी, मैं शंभु पंडित जी, मैं आप भाई शंभु, शंभु पंडित जी, शंभु
तुलसी, की दुर्दशा देखकर हमारा हृदय भी व्यथित हो रहा है वत्स, परंतु आपने मेरा नाम कैसे जाना? हम है त्रिकालदर्शी वैम्बरनाथ, हमसे क्या छुपा है वत्स, हमसे कुछ भी नहीं छुपा। तुम्हारी बहन का नाम रत्ना है? हाँ। हाँ? और उसके पति का नाम तुलसीदास है? है? हाँ। 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 वही वही दुख का कारण है। आप सत्य कह रहे हैं महाराज, आप सत्य कह रहे हैं। परंतु ये भी सत्य है कि तुम्हारी बहन ने स्वयं इस दुख को अपने गले लगाया है। पंडित जी, आप तो सब कुछ जानते हैं। हमने उसे पहले ही सावधान किया था कि अपने पति को वश में रखे अन्यथा जीवन भर पछताएगी। परंतु उसने मेरी बात नहीं मानी। यही उसके दुख का कारण है। मैं भी यही सोच कर दुखी हूँ महाराज। और जो भी दृश्य तुमने देखा है बस, वो तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। उसका मानसिक विकार और बढ़ेगा। ऐसा ना कहिए महाराज, तुलसीदास मेरी बहन का सुहाग है, उसकी रक्षा होनी चाहिए महाराज, उसकी रक्षा होनी चाहिए। यही उपाय है, तुम्हारी बहन लाट संघ को छोड़कर उस पगले को अपने घर ले जाए ताकि उसका पागलपन दूर हो। आप सत्य कह रहे हैं महाराज, मैं यही, अन्यथा मेरी बहन का जीवन नष्ट हो जाएगा। तुम्हारा कल्याण। मैं अभी जा रहा हूँ महाराज, मैं अभी जा रहा हूँ। शीघ्र घर भाजो शंभु, रत्ना के पास पहुंचो और अपना कार्य संपन्न करो। अब देखता हूँ तुलसी, तू कैसे नाम भक्ति करता है। पाप की जय होगी, सत्य का नाश होगा। ये तुलसीदास के प्रभु तूने कहां से सुना? बनके तो है तो आप घर घर में पूछने लगे हैं बाबा। जो सुनता है वो भूलता नहीं। जो यात्री अयोध्या काशी जाकर लौटते हैं वे उनके नए नए वचन अपने साथ ले आते हैं बाबा। तो जीवन भर उनके दोहे ही रटती रहोगी, क्या उन्हें घर लौटाने का प्रयास नहीं करोगी? मैं
राम भक्ति से विमुख नहीं करना चाहते बाबा, वे सामने नहीं है तो क्या हुआ? उनका नाम तो मेरे कानों में गूंज रहा है, मेरे कानों में गूंज रहा है बाबा। रत्ना, 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 रत्ना। क्या बात है शंभू? रत्ना, तुम्हें तुरंत चित्रकूट चलना होगा, पंडित जी की दशा ठीक नहीं है। उन्हें क्या हुआ? उनका मन विचलित हो रहा है, वो पागलों के समान प्रलाप करने लगे, कहीं ऐसा न हो कि अपनी सुध को बिल्कुल ही खो बैठे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वे तो राम रस से डूब रहे हैं, उनका मन तो और भी निर्मल और भी उज्जवल हो रहा है। मेरी बात पे विश्वास कर, लोग उन्हें पागल समझकर मारने के लिए पत्थर तक उठाया था, मैं अपनी आंखों से देख के आ रहा हूँ। यदि पंडित जी का जीवन बचाना चाहती हो तो तुम्हें तुरंत मेरे साथ चलना होगा। अपने सुहा की रक्षा के लिए तुम्हें जाना होगा रत्ना, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ, भूल जाओ। तुमने उनसे क्या कहा और उन्होंने क्या किया, ये समय सोचने का नहीं है। रत्ना, एक पहुंचे हुए महात्मा त्रियंबकनाथ ने मुझे चेतावनी दी है कि यदि तुम उन्हें अपने साथ घर लौटा कर लेंगे तो उनकी बहुत दुर्दशा होगी, उनके जीवन में संकट बढ़ सकता है। वे कहने लगे कि तुमसे मिलकर तुम्हें पहले भी सावधान कर चुके हैं। अब क्या सोच रही हो रत्ना? एक स्त्री के लिए उसके सुहाग से बढ़कर कुछ नहीं होता। इस समय तुलसी को तुम्हारे सहारे की आवश्यकता है। हाँ। जाओ, एक पल भी देर ना करो। चलो रत्ना, चलो, चलो रत्ना। सुमिरी गुरु शारदा गणप लखनु हनुमान, करिए काज सब साज भल निपट ही नीक निदान, निपट ही नीक निदान। हे प्रभु श्री राम, दर्शन दीजिए प्रभु, मुझे दर्शन दीजिए, मैं आतुर हूँ, व्याकुल हूँ प्रभु आपके दर्शन के लिए। मेरी परीक्षा न लीजिए प्रभु, शीघ्र अति शीघ्र मुझे दर्शन दीजिए प्रभु, दर्शन दीजिए। तुलसी, तुलसी आंखें खोलो तुलसी। बाबा, प्रभु ना जाने कब किस रूप में दर्शन देंगे, पहचान तो नहीं है प्रभु को? अवश्य पहचान लूंगा प्रभु, अवश्य पहचान लूंगा, वो तो मेरे हृदय में बसे हैं, मेरे रोम रोम में बसे हैं प्रभु श्री राम। भला भला मैं अपने प्रभु श्री राम को नहीं पहचान पाऊंगा? अवश्य पहचान लूंगा प्रभु, अवश्य पहचान लूंगा। प्रभु श्री राम, मुझे किसी भी घर की आवश्यकता नहीं है। पंडित जी, मैंने अपनी आंखों से आपको पीड़ित होते हुए देखा है। महाराज, घर चलिए, रत्ना ने जो कुछ भी कहा उसे भूल जाइए, इसे क्षमा कर दीजिए। वहां जाइए पंडित जी, घर चलिए। नहीं भाई, मुझे विवश ना करो, मुझे प्रभु श्री राम के सानिध्य में छोड़ दो। राज, आपकी चाल सफल भी गई राज, इस बार रत्ना तुलसी को रिझा करी रहेगी।
तुलसी कैसे छूटेगा इससे? राम नाम और धर्म की रटें छोड़नी होंगी इसे। अब पूरा फंसा है तुलसी। अब हम देखेंगे वो इस फंसाव से कैसे मुक्त हो पाएगा।